भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। राजस्थान में लंबे सियासी घटनाक्रम के बाद आखिरकार सीएम का ऐलान हो गया। बीजेपी ने भजन लाल शर्मा को राजस्थान का नया सीएम घोषित किया है। वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राज्य के नए डेप्यूटी सीएम होंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से ही सीएम की रेस में वसुंधरा राजे महंत बालकनाथ के साथ जयपुर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी का नाम भी आगे चल रहा था। ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिया कुमारी राजस्थान की नई सीएम हो सकती हैं, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है। दिया कुमारी राज्य की नई डिप्टी सीएम होंगी। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी की संपत्ति कितनी है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दिया कुमारी जयपुर के अंतिम शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय की पोती हैं। विद्याधर नगर सीट से विधायक और नव नियुक्त डिप्टी सीएम दिया कुमारी 19 करोड़ 19 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं। उनके नाम कोई जमीन या भवन नहीं है, लेकिन सोने चांदी के जवाहरात हैं। एफिडेविट के अनुसार उनके पास 28 कंपनियां हैं और म्यूचुअल फंड्स में 14 करोड़ 85 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। एफडी में 1.5 करोड़ और 8 बैंकों में 1 करोड़ 48 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा करंट अकाउंट में 92 लाख से ज्यादा की राशि है। वही राजस्थान के दूसरे नए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की संपत्ति की बात करें तो प्रेमचंद बैरवा के पास कुल प्रॉपर्टी 3 करोड़ 88 लाख 61 हजार 769 रुपए है। उनके पास कुल अचल संपत्ति 3 करोड़ 51 लाख 2 हजार रुपए और चल संपत्ति 37 लाख 59 हजार 769 रुपए है। उनकी कुल आय 8 लाख 52 हजार 898 रुपए है। उनके ऊपर किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है। राजस्थान की दूदू सीट से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने कांग्रेस के बाबूलाल नागर को 35,773 वोटों से हराया था। 1995 में ब्लॉक संगठन से राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वही राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पास 1 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और 43,60,000 रुपए की चल और 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। भजन लाल पर 86 लाख रुपए की देनदारी है। शर्मा की शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन है। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और सिटिंग विधायक का टिकट काट कर उनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था। लंबे समय से बीजेपी और संगठन में काम कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 7% आबादी ब्राह्मण की है। भजन लाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं। बाहरी होने के आरोप के बावजूद सांगनेर से बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद अब उन्हें राजस्थान का नया सीएम चुना गया है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर ले ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।